मैम दस पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम जो है क्लास 11वीं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। इससे पहले वाला जो और वीडियो था उसमें हमने परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या है उसके बारे में पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करना है हमको परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, गणना कीजिए, इसमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम के 2.5 ग्राम परमाणुओं का आपको क्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है। और साथ में बोल रहा है कि 1.48 नाइट्रोजन में जो है ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए वाला को देखेंगे। यहाँ पर जो है ए में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का कितना दिया है हमारा, 2.5 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान आपको निकालना है। तो हमको पता है 1 ग्राम जो हमारा क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम होता है, इसका जो हमारा द्रव्यमान होता है वो कितना होता है हमारा, ये होता है 24। ये हमारा कितना होता है भाई, 24। 1 ग्राम मैग्नीशियम का हमारा जो द्रव्यमान होता है वो 24 होता है। तो हमको कितना के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, 2.5 ग्राम मैग्नीशियम का हमको क्या करना है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, निकालने के लिए हम लोग इसमें हम लोग करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 1 अपॉन कितना हो जाता है, इनटू में कितना आ जाता है, 2.5। और नीचे में हमारा देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, या यहाँ पर हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग 2.5 कितना हमारा, 5 ग्राम मैग्नीशियम का द्रव्यमान निकालना है, तो हम क्या करते हैं उतना को क्या करते हैं उससे गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाता है भाई हमारा, ये हो जाता है 2.5 इनटू कितना हो जाता है हमारा, इसका ग्राम कितना दिया है हमारा, 24 दिया है। तो ये हमारा कितना हो जाता है, 24। अब दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 4 × 5 = 20। तो 4 × 5 कितना हो गया हमारा, 20। तो 20 का कितना लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। हासिल कितना आ गया हमारा, हासिल आ गया हमारा ये आ गया 4 × 5 = 20 का 4 आ गया। तो 4 × 2 कितना हो जाता है हमारा, ये 4 × 5 = 20 हो गया, और हमारे 2 हो गया, 2 × 2 = 4, और 4 × 2 कितना हो जाता है, 6। तो इस प्रकार से इसका जो मान आता है कितना आ जाता है हमारा, 60 ग्राम आ जाता है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम का जो 2.5 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान है उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2.5 ग्राम जो भी मैग्नीशियम होता है उसका जो गुणा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसका जो द्रव्यमान होता है जो 24 होता है उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो मैग्नीशियम का जो क्या होता है हमारा, जो है द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरा वाला का, तो यहाँ पर दिया है 1.48 नाइट्रोजन में जो है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा के लिए यहाँ पर 1 ग्राम जो क्या होता है हमारा, जो नाइट्रोजन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो 1 ग्राम नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है हमारा, ये 14 होता है। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 7 होता है, और परमाणु भार इसका 14 होता है। तो 1 ग्राम का नाइट्रोजन का कितना हो गया परमाणु द्रव्यमान, 14। कितना के लिए निकालना है हमको, हमको निकालना है 1. कितना निकालना है, 48 के लिए। तो इतना के लिए अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 × कितना हो जाएगा आपका, 1.48 हो गया, और इसका द्रव्यमान कितना है भाई हमारा, 14 है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, इतना के लिए निकालने के लिए ये हमको मान प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1. कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है आपका 48 आ जाता है। अब जो है डिवाइडेड बाई अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा, ये 14 हो गया। अब इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, तो अंततः हमारा मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। चूँकि हमारा क्या है, देखो दशमलव है, दशमलव के बाद कितना है हमारा, 2 शून्य है। तो यहाँ पर हम लोग कितना कर देते हैं, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये हमारे ऊपर में कितना बचा भाई हमारा, ये हो गया 1.48 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 1.44। तो इसमें ये बड़ा है ये वाला छोटा है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाता है, 1480 हो जाता है, और ये 1400 हो जाता है। तो लगभग एक बार जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0. कितना हो जाता है, 1 क्या हो जाता है, हमको मान प्राप्त हो जाता है। तो यही क्या होता है हमारा, 1. जो भी 48 नाइट्रोजन में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान को शो करता है। तो इस तरीका से हम परमाणु द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो ये तो हो गया हमारा इससे रिलेटेड कुछ हमारा क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। अब आगे हमारा टॉपिक है
या इसी टाइप का और भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो उस उदाहरण को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण इसमें दिया गया है, ये दिया है 4.9 ग्राम H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, में कितने ग्राम अणु है इसको दिया गया है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मान दिया है 0.72 ग्राम अणु में कितना द्रव्यमान, कि उसका द्रव्यमान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हमको पहला देखना है, एक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम अणु है ये पूछ रहा है। तो पहले हमको 1 ग्राम का निकालना पड़ेगा भाई। तो 1 ग्राम जो है लिख लेते हैं, 1 ग्राम क्या होता है जो H2SO4 होता है, इसका अगर हम देखें द्रव्यमान तो कितना होता है, ये होता है हाइड्रोजन का 2 हो गया, 2 × 1 = 2, क्योंकि हमारा एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, 2 से गुणा कर देंगे 2, ये हो गया। सल्फर का 16 होता है, तो 16 × 2 कितना लिखा जाता है, 32 लिखा जाता है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 हो दिया है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, तो कितना हो गया, 2 × 1 = 2, और ये हो गया 16 × 2 = 32, और 16 × 4 कितना हो गया, 64। अब इनको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 4 × 2 = 6, और 6 × 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 8 मिल गया। अब जो है कितना बचा है, 3 × 6, ये हो जाता है हमारा 9। तो इस प्रकार से 1 ग्राम जो क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसका जो हमारा क्या होता है द्रव्यमान होता है वो 98 होता है। तो 98 हो गया। अब हमको कितना के निकालना है, तो यहाँ पर आगे 4 दशमलव कितना है, 9 ग्राम H2SO4 का हमको क्या करना है, ग्राम अणु द्रव्यमान निकालना है। के लिए अगर हम निकालते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इज इक्वल टू ये हो जाता है हमारा 98 ग्राम में, और ये कितना हो गया हमारा, इसके लिए निकाल रहे हैं तो 4 पॉइंट कितना हो गया, 9, और इनटू कितना हो जाता है, 1। अब इसको हम आगे अगर क्या करें, बढ़ा दें, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 पॉइंट कितना हो जाता है भाई, 9, और ये हो जाता है हमारा 9। अब उस स्थिति में देखें तो ये वाला बड़ा है, वो वाला छोटा है, दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो उस स्थिति में कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया हमारा 4.9 ऊपर में, दशमलव को हटाने के लिए 0 लगा दिए, डिवाइडेड बाई कितना है हमारा, ये हो गया 980। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर भाग देते हैं तो उस स्थिति में देखो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अगर 0 लगा देते हैं तो इक्वल टू कितना हो गया, 0। 0 लगाते हैं फिर भी छोटा ही है ना, इस स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर कितना कर देते हैं हम, और थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, तो उस स्थिति में कितना हो जाता है, लगभग 4900 हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना बार काट सकते हैं, देखो भाई पहले तो हमारा छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब हम लोग बढ़ा दिए, इस स्थिति में क्या हो गया हमारा, ये हमारा 0 हो गया। अब इसको हम काटते हैं तो लगभग जो है ये जो है ये 5000 मान लो और इसको 1000 मान लो, तो लगभग कितना बार जा सकता है भाई हमारा, और 4 बार 5 बार जा सकता है, करके देखते हैं। अगर ये कितना हो गया 900, कितना हो गया 80, अगर 4 से कर दें तो 400 × 9 = 8 × 32 का कितना हो गया, 2 × 3 हो गया, 9 × 9 = 18 × 9 = 36 हो गया, और 3603 कितना हो गया हमारा, 39। तो कितना हो गया हमारा, ये 40, 5 बार जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 5 से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ये हमको किसका हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राप्त हो जाता है। सेम आप क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। तो चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पास, ये नंबर हमारा कौन सा है, हमारा बी है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बोल रहा है, इतना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 ग्राम जो क्या होगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका जो हमारा वैल्यू होगा उसको निकालने के लिए कितना हो गया, 12, और ये कितना हो जाता है, 32। तो ये कितना हो, 2 × 2 = 4 और 2 = 44 ग्राम क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कितना हमारा, 1 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना हो गया हमारा, 44 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो कितना का निकालना है हमको, हमको निकालना है 0.72 ग्राम का निकालना है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, के लिए हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये हो गया 1 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 4 × 4 × कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया 0 पॉइंट क्या हो गया, 72 हो गया। अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं तो आगे हम लोग देख रहे हैं, इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो गया हमारा, 72 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 44 हो गया। अब अगर हम पॉइंट को हटा दें यहाँ पर तो ये 00 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है। अब यहाँ पर बचा क्या है भाई हमारा, तो ये हमारा हो गया 72/ कितना हो गया हमारा, ये हो गया 44 और 00। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा जो 72 है वो बहुत क्या है, छोटा है,
है ना, 72 बहुत छोटा है किसके अपेक्षा भाई, हमारा 4400 के अपेक्षा बहुत छोटा है। इस स्थिति में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर जीरो लगाने पॉइंट लगाते हैं, तो उस स्थिति में एक हमारा हो जाता है, तब भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक और जीरो लगाते हैं, तो लगभग कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। तो लगभग कितना बार जा सकता है हमारा, ये एक बार जा सकता है, क्योंकि दो बार करते हैं ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो मान है ग्राम में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, दिए गए जो भी उदाहरण हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो ये तो कल जो पढ़े थे उससे रिलेटेड जो क्या था हमारा क्वेश्चन था, आगे आज हमको पढ़ना है मोल, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है भाई, मोल संकल्पना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना टॉपिक है, इसको आपको जानना जरूरी है। मोल संकल्पना क्या होता है, वैसे आप जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे क्या होते हैं, परमाणु से, या हम बोल सकते हैं अणु से मिलकर बना होता है, या हम साफ भाषा में ये बोलें कि जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, परमाणु या अणु पाए जाते हैं। पदार्थ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, परमाणु या क्या होते हैं, अणु विद्यमान होते हैं। तो उतने सारे परमाणुओं को या उतने सारे अणु जो कि पदार्थ के अंदर विद्यमान रहते हैं उसको दर्शा पाना या उसको बताना कठिन कार्य होता है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर पदार्थों के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है एक बड़े मात्रक की भी आवश्यकता होता है। तो इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने शुरू में क्या किया, प्रयास किया है ना, किसको बताने के लिए भाई, पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बताने के लिए सोचा गया कि भेक पदार्थ में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, परमाणु अणु पाए जाते हैं, अर्थात इसके लिए जो है उसको दर्शाने के लिए एक बड़ी मात्रक की भी आवश्यकता होती है। और इस क्षेत्र में फिर वैज्ञानिकों ने प्रयास करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और अंततः उन्होंने प्रयोग से ये पाया कि 1 ग्राम जो क्या होता है हमारा परमाणु होता है, 1 ग्राम जो क्या होता है हमारा परमाणु होता है, तो 1 ग्राम परमाणु में जो परमाणुओं की संख्या होता है सभी तत्व के, 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की जो संख्या है ना, या ये बोल सकते हैं किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में जो अणुओं की संख्या होता है ये क्या होता है आपका, बराबर होता है ना। उन्होंने पाया प्रयोग से कि कोई भी जो तत्व है उस तत्व के 1 ग्राम जो परमाणु है उसमें परमाणुओं की संख्या समान होता है, उसी प्रकार किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या क्या होता है, समान होता है। जब इन संख्याओं को उन्होंने कैलकुलेट किया है ना, गणना किया, तो पाया कि ये जो संख्या होता है वो 6.0 जो है 22×10^23 के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब जो है किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु जो संख्या है वो, या किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुओं में जो अणुओं की संख्या है वो, ये दोनों का जो मान होता है जब इसका गणना किया गया तो वह मान कितना पाया गया, 6.022×10^23 पाया गया। ये जो संख्या है, ये संख्या जो होता है इसको एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, उनके सम्मान में इसे जो है एवोगैड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है भाई। इसी संख्या को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, और इसको दर्शाने के लिए हम लोग जो है एन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जो भी गणना से ये मान मिला वो मान को एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट था उसके सम्मान में क्या बोला गया, एवोगैड्रो संख्या बोला गया। अब यहाँ पर हमको जानना है कि एवोगैड्रो संख्या होता क्या है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एवोगैड्रो संख्या का क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं भाई। तो ये हमारा हो गया एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या क्या होता है, तो लिख सकते हैं किसी तत्व के, अभी जो बोले उसी, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, या किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, एवोगैड्रो
संख्या कहते हैं। तो इस तरीका से हम एवोगैड्रो संख्या को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और एवोगैड्रो जो संख्या होता है, अभी बताया एवोगैड्रो संख्या जो होता है इसका कितना होता है मान भाई, 6.022 × 10⁻⁶ कितना होता है, 23 के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीका से हम जो है मोल से रिलेटेड बातें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मोल से रिलेटेड बातें और साथ में एवोगैड्रो संख्या। अब हमको इसी में थोड़ा सा देखना है किसके बारे में, थोड़ा सा हमको मोल के बारे में भाई, मोल का अर्थ क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आगे का टॉपिक क्या है हमारा, मोल का अर्थ। मोल का अर्थ, मोल का अर्थ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु जो कि 12 की संख्या में है हम उसको क्या करते हैं, एक दर्जन मानते हैं। चाहे वो 12 कापी हो एक दर्जन बोलेंगे, चाहे वो 12 केला हो एक दर्जन बोलेंगे, चाहे वो 12 बॉल हो एक दर्जन कहेंगे। तो वैसे ही रसायन विज्ञान में परमाणु है ना, अणु है, या हमारे क्या हैं आयन हैं, इनको दर्शाने के लिए है ना, रसायन विज्ञान में परमाणु अणु या आयन को दर्शाने के लिए एक संख्या का प्रयोग किया जाता है, और वही संख्या क्या कहलाता है आपका, मोल कहलाता है। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं किसमें भाई हमारा, किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणु या आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए, संख्या को दर्शाने के लिए मोल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, मोल का उपयोग करते हैं भाई, उपयोग करते हैं है ना। जैसे 12 जो संख्या है उसको दर्शाने के लिए दर्जन का, या दर्जन को दर्शाने के लिए 12 संख्या का प्रयोग करते हैं, वैसे ही किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणु या आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये पाया गया है कि ये जो एक मोल होता है किसी भी पदार्थ का, जो कितना होता है हमारा एक मोल जो होता है, इस मोल का अगर हम बात करें, एक मोल जो होता है किसी पदार्थ का जो कितना भाई एक मोल है, ये मोल कितना के बराबर होता है, तो ये जो मोल है एक मोल जो है वो एवोगैड्रो संख्या अर्थात 6.023 या 22 कर सकते हैं 10⁻²³ के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात एक मोल जो होता है वो कितना के बराबर होता है भाई हमारा, 6.022 × 10³³ के एक बराबर होता है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, एवोगैड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस तरीका से मोल को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब मोल में आप कोई भी हो सकता है भाई, 1 ग्राम क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, तब भी उनकी संख्या इतना ही होता है। 1 ग्राम अणु होता है तब भी उनकी संख्या इतना ही होता है। अब जो है आगे हमको मोल जो है उसका जो है आपका जो है एसआई जो पद्धति है, उस एसआई पद्धति में इसका क्या किया गया है, परिभाषा दिया गया है। और एसआई जो पद्धति में मोल को बताया गया है कि किसी भी पदार्थ का जो मोल होता है, किसी भी पदार्थ का जो क्या होता है हमारा मोल है या जो मात्रा है, तो यहाँ पर दिया है मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा या परिणाम होता है जिसमें उतना ही कण पाया जाता है जितना कि 0.12 किलोग्राम, अर्थात यहाँ बोल सकते हैं 12 ग्राम जो कार्बन में क्या होता है परमाणु की संख्या होता है। तो इस तरीका से एसआई हमारा जो मात्रक है उसके आधार पर मोल को क्या कर सकते हैं हम लोग, परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर मोल जो होता है एक मोल के बराबर कोई भी चीज़ लिया जाए, जैसे यहाँ पर अगर एक मोल बराबर क्या लेते हैं हम लोग, परमाणु ले लेते हैं, या एक मोल परमाणु लेते हैं, तो उसकी संख्या कितना होता है हमारा, 6.022 × 10⁻³ कितना होता है, 23। या आप जो है एक मोल अणु ले लो, एक मोल यहाँ पर अणु ले लो, तो भी उसकी मात्रा कितनी होती है, 6.022 × 10⁻³। या आप क्या ले लेते हैं, एक मोल क्या ले लेते हैं यहाँ पर, यौगिक ले लेते हैं, तो उस स्थिति में भी इनकी मात्रा कितनी होती है हमारा, 6.022 × 10⁻³
23 ही होता है। अगर हम और ले लें, अगर एक मोल क्या ले लें, गैस ले लें, तो एक मोल गैस लेंगे तब भी इसकी मात्रा कितना होता है, 6.022 × 10³ ही होता है। लेकिन एक मोल जो गैस होता है उसको दर्शाने के लिए एक और एक मात्रक होता है, वो होता है 22.4 लीटर। कहने का मतलब ये है कि इतने सारे जो कण हैं, अगर उसको हम लोग देखें तो ये जो इतने सारे कण होते हैं वो इतना आयतन घेरता है, इस वजह से इसी को इस तरीका से गैसों के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। मतलब गैसों के अगर मात्रा निकालना है तो उसको हम 6.022 × 10³ ना लिख करके उसको हम क्या करते हैं, 22.4 लीटर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इतने कण जो होते हैं इतने लीटर आयतन घेरते हैं, इसलिए गैसों को इस तरीका से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीका से मोल को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पर मोल निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन आता है जिससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्या है, छोटा छोटा जो है फार्मूला है उसको देखना है। जैसे आपको तत्व का क्या निकालना है भाई, मोल निकालना है, कोई भी तत्व दिया है और उसका मोल निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तत्व का जो द्रव्यमान होता है उसको लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा तत्व का द्रव्यमान, ये हो गया। उसके बाद तत्व का जो क्या होता है हमारा, यह तत्व का द्रव्यमान हो गया, और तत्व का क्या होता है हमारा, परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तत्व का द्रव्यमान रख सकते हैं, तत्व का परमाणु द्रव्यमान रख सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, भाग दे करके तत्व का क्या कर सकते हैं, मोल ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम यौगिक का देखें तो जो यौगिक होता है, यौगिक का अगर आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, यौगिक का जो द्रव्यमान होता है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा यौगिक का द्रव्यमान, और डिवाइडेड बाई यौगिक का अणु द्रव्यमान लिख सकते हैं, यौगिक का अणु भार बोल सकते हैं, अणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यौगिक का द्रव्यमान लिख सकते हैं, और नीचे में यौगिक का अणु भार होते हैं, उसको लिख करके आप क्या कर सकते हैं, यौगिक का मोल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, मोल। मोल निकालने का एक और विधि है, वो है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इक्वल टू होता है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। तो इस विधि से भी आप क्या कर सकते हैं, मोल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको लेके टोटल जो है यहाँ पर तीन जो है आपका विधि है जहाँ से मोल क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। आप एवोगैड्रो नंबर के जगह, आप जानते हो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10³ कितना होता है, 23 होता है, ये रख सकते हैं और यहाँ पर रखना है। अगर ये नहीं रखना है तो अगर गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके जगह आप 22.4 कितना कर सकते हैं, 4 लीटर रख सकते हैं भाई। अगर सामान्य स्थिति के लिए बोलता है तो उस स्थिति में आप एवोगैड्रो नंबर जो है 6.022 × 10³ करते हैं, और अगर या अगर वो जो अणु है वो गैस में है तो आप जो है इतना ना लेकर के 22.4 क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया तीन विधि। अब इससे रिलेटेड हमको कुछ क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे एक दिया है यहाँ पर, उदाहरण दिया है, ये दिया है परमाणुओं की संख्या की क्या करना है आपको, गणना करना है, ये आपको दिया गया है। और इसमें दिया है कार्बन के 0.25 मोल जो परमाणु है उसमें कितनी परमाणु संख्या होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है जिसका जो मान दिया है 0.02 में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको तुम पता है मोल बराबर कितना होता है, या एक मोल बराबर कितना है, तो आपको पता है कि एक मोल बराबर हम कितना रखते हैं भाई, तो एक मोल बराबर होता है हमारा 6 कितना होता है, 0.22 × 10³ कितना होता है हमारा, 23 होता है। और इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख करके परमाणु संख्या की गणना करना है। तो जैसे पहले में दिया गया है तो उसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आपको बोल रहा है कि इतना जो हमारा मोल होता है उसमें परमाणु संख्या कितना होगा, तो बस इसको क्या करते हैं, एक मोल से गुणा कर देते हैं, तो हो जाता है 0. कितना हो जाता है हमारा, 25 कितना हो जाता है हमारा, 6 × 0.22 × 10³। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब गुणा करते हैं तो ये हमारा जो मान होता है ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, मतलब 10³ ही रहता है। और जब इनको हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है ये आपका जो है 1.506 आता है। तो इस तरीका से इन दोनों को गुणा करने पर हमको ये मान क्या होता है, प्राप्त होता है, अर्थात इतने मोल में
परमाणु की संख्या क्या होता है, इतना प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से पहला क्वेश्चन जो होता है उसको इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा की अगर हम बात करें ऑक्सीजन के और उतना मोल में कितना परमाणु संख्या होगा, तो बस पहले जैसे ही करना है। इसमें हम क्या करते हैं, 0.0 क्या लेते हैं, 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 दी पावर कितना ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं। फिर से हम इसको हम लोग आगे करते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा, 10 दी पावर 23 प्राप्त हो जाता है। और इन दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं तो ये जो है आपका 1.205 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 0.02 जो मोल होता है उसमें आपका परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 1.205 इंटू 10 दी पावर 23 होता है। तो इस तरीका से मोल के आधार पर हम परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इससे क्या कर सकता है, आपको प्रश्न कर सकता है। जैसे क्वेश्चन और दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 लेते हैं। तो एक पदार्थ दिया है, एक पदार्थ में अणुओं की संख्या आपका दिया गया है आपका 3.10 इंटू 10 दी पावर कितना दिया है, 23 दिया है। अणुओं की संख्या इतना है तो मोलों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है भाई, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पदार्थ है जिसमें अणुओं की संख्या क्या है हमारा, 3.10 इंटू 10 दी पावर 22 है। तो उसमें हमको क्या करना है, उसका मोल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी आपको जो नियम बताए थे उसका क्या करना है, यहाँ पर उसको लागू करना है। जैसे आपको बताया गया है मोलों की संख्या इस क्वालिटी मैंने आपको क्या बताया था, अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, एवोगैड्रो संख्या। ये अभी हम जो है जस्ट पहले देखे थे। अब आपको क्या करना है, अणुओं की संख्या कितना दिया है भाई, ये वाला दिया गया है, उस मान को वहाँ पर रख दो। तो कितना दिया है हमारा, 3.01 इंटू 10 दी पावर कितना दिया है, 22। अब एवोगैड्रो संख्या कितना होता है वो भी आपको पता है, ये होता है 6.022 इंटू 10 दी पावर कितना होता है हमारा, 23 होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, जब काट देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, ये 10 का घात 1 ही प्राप्त होता है, मतलब 10 ही प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट को हटा देते हैं, कितना हो जाता है हमारा, 301 हो जाता है। इधर कितना हो जाता है, 6 पॉइंट को हटा दिए तो 022 हो जाता है, क्योंकि इधर ज़्यादा है। तो इसको हम लोग ऊपर को पॉइंट को करने के लिए 0 क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इनटू कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पर देखें तो ये कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, नीचे में 10 है हमारा, ये 10 हो गया। अब इसमें से इन दोनों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 301 और नीचे कितना बचा है, 622। अब इन दोनों को क्या करते हैं, काटते हैं, तो 301 क्या होता है, छोटा होता है, 622 क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट लगाते हैं तो 3000 हमारा 10 ही हो पाता है भाई, है ना। आगे देखो 3001 से 3010 होता है, तब भी 6022 क्या है, ज़्यादा ही। तो एक और हम क्या कर देते हैं, इसमें और लगा देते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग जो है और लगाते हैं तो लगभग 30000 हो जाता है, और ये कितना है, 6000 है। अब इतना को हम लोग अगर क्या कर देते हैं, काटते हैं, तो लगभग 6×6 30 बार चला जाता है, मतलब 5 बार में कट जाता है। तो मान हमारा कितना प्राप्त होता है, 0.05 क्या हो जाता है, मोल आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से मोल क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो हो गया भाई मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और मोल के बारे में, ये हो गया मोल। अब हमको जो है थोड़ा सा जो है और आगे कुछ क्या करना है, बातें करना है, और वो है एवोगैड्रो नियम। एक हमारा दिया है एवोगैड्रो नियम, ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग एवोगैड्रो नियम क्या होता है। एवोगैड्रो संख्या हम देख चुके हैं, अब हमको एवोगैड्रो नियम देखना है। चूँकि आपको पता है कि जो गैस होता है वो गैस क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात परमाणु अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जो भी होते हैं अणु अवस्था में होते हैं। इसे दर्शाने के लिए एवोगैड्रो ने क्या दिया है, एक नियम दिया है जिसे हम एवोगैड्रो नियम कहते हैं। ये नियम कहता है कि ताप एवं दाब के समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में
अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, एवोगैड्रो नियम को बता सकते हैं कि समान ताप, या ये बोल सकते हैं ताप एवं दाब के समान परिस्थितियों में गैसों के जो समान आयतन होता है उनमें अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब कोई गैस लिया है और मान लो एक से अधिक गैस लिए हैं और उन गैसों का अगर आयतन क्या है, समान है। मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं, नाइट्रोजन लिए हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन लिए हैं, और सबका आयतन क्या है, समान है। मान लो ये एक लीटर है, ये भी एक लीटर है, और ये भी क्या है, एक लीटर है। तो उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब इसमें जितना अणु होगा उतना इसमें अणु होगा और उतना ही इसमें अणु होगा, यही क्या कहलाता है, हमारा एवोगैड्रो नियम कहलाता है। तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं भाई। तो इसको भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे इसके बाद और भी छोटी छोटी पॉइंट जो है इसमें दिया गया है, और वो है हमारा एवोगैड्रो नियम के अनुप्रयोग। तो आगे का हमारा टॉपिक है हमारा एवोगैड्रो नियम के अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग, ये आपको जानना है भाई, ठीक है। तो एवोगैड्रो नियम के अनुप्रयोग हमको देखना है। इसमें दो तीन अनुप्रयोग दिया गया है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला इसमें अनुप्रयोग दिया गया है वो है हमारा मोलर द्रव्यमान। पहला क्या दिया है भाई, हमारा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन कर दे तो एकदम ईजी है ना। किसी पदार्थ के एक मोल का जो भी द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो पहला अनुप्रयोग क्या है भाई, हमारा मोलर द्रव्यमान है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो बता देना भाई किसी पदार्थ के एक मोल का जो भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वही क्या कहलाता है, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है, या उसे हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। वैसे मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अंतर नहीं है भाई, दोनों एक ही चीज़ होता है। जैसे अगर हमको उदाहरण के तौर पूछे कि पानी का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, या हम पूछे इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो आणविक द्रव्यमान कितना होता है, जैसे ये कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो दोनों मिला कितना हो गया 18 हो गया, ये आणविक द्रव्यमान है। यही मोलर द्रव्यमान भी होता है भाई, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरीका से हम मोलर द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर एक नंबर में आ जाता है तो बताना भाई किसी पदार्थ के एक मोल का जो भी द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा होता है हमारा, वो होता है मोलर आयतन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर आयतन, मोलर देखना है हमको आयतन। तो मोलर आयतन क्या है इसको हमको देखेंगे। परिभाषा एकदम सरल है भाई, मोलर आयतन का मतलब क्या होता है, हमारा एक मोल जो गैस होता है उनका जो भी आयतन होता है वो क्या कहलाता है, उसका मोलर आयतन कहलाता है। तो लिख सकते हैं एक मोल गैस का आयतन है ना, आयतन क्या कहलाता है भाई, उस गैस का मोलर आयतन कहलाता है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, मोलर आयतन कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि मोलर आयतन क्या होता है, तो बताना भाई एक मोल गैस का आयतन मोलर आयतन कहलाता है, या मोलर आयतन कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ही क्या है, हमारा सरल है। अब यहाँ पर एक मोल जो गैस का आयतन होता है वो मोलर आयतन कहलाता है। आपको पता है कि यहाँ पर एसटीपी पर है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जो हमारा क्या होता है, एक मोल जो गैस का आयतन होता है, गैस का आयतन आपको पहले भी बताया है कितना होता है भाई, 22 कितना होता है हमारा, 4 लीटर होता है। तो एक मोल जो भी गैस आयतन होता है उसका हम आयतन की बात करें तो कितना होता है, वो 22.4 लीटर होता है। मैं आपको शुरू में बताया था कि हमारा एक मोल अगर गैस लेते हैं जिसको दर्शाते कितने हैं, 6.022 × 10⁻³ कितना होता है, 23 होता है। तो ये इतना जो मोल क्या होता है, जो गैस होता है, उस गैस को अगर हम क्या करें, उसका आयतन की गणना करें तो कितना आता है हमारे भाई, 22.4 लीटर आता है। तो इस तरीका से हम बता सकते हैं कि एसटीपी पर एक मोल जो भी गैस होता है उनका आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो इस तरीका से मोलर आयतन को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और ये हमारा एवोगैड्रो जो नियम है उनका दूसरा अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है।
थर्ड होता है हमारा वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व, ये जो वाष्प घनत्व होता है इसको भी हम लोग बता सकते हैं भाई। वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप वाष्प घनत्व बराबर, घनत्व बराबर होता है हमारा गैस के, गैस के एक अणु का आयतन, एक अणु का आयतन, कोई भी गैस दिया है उस गैस के एक अणु का आयतन। और दूसरा होता है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के एक अणु का आयतन, या हाइड्रोजन गैस के एक अणु का आयतन, एक अणु का आयतन। तो यहाँ पर परिभाषा आसानी से आप बता सकते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस के एक अणु का आयतन और गैस के एक अणु का आयतन का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है आपका, वाष्प घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब कोई गैस दिया है उस गैस का एक अणु का आयतन और हाइड्रोजन गैस के एक अणु का जो आयतन होता है उनका अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प घनत्व कहलाता है। इसी को आगे और क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, गैस के एक अणु का आयतन डिवाइडेड बाई, हाइड्रोजन गैस के एक अणु कितना होता है भाई, H2 होता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को और आगे आप बढ़ा सकते हैं, वाष्प घनत्व बराबर कितना होता है हमारा, इसको जो है अणु का आयतन बोल रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अणु का आयतन, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भार भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, भार बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आगे इसी को लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, अणु भार लिखते हैं डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं हमारा, H2 लिखते हैं। तो इस तरीका से हमको क्या हो जाता है, यहाँ से मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वाष्प घनत्व को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसको और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है देखेंगे तो और इसको आगे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बट इतना है। तो ये हो गया वाष्प घनत्व। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एवोगैड्रो जो नियम है उस नियम के अनुप्रयोग को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, ये हो गया अणु भार, अणु भार। और हाइड्रोजन का अगर हम देखें, एक अणु का जो भार देखें तो कितना होता है हमारा, दो होता है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर दो भी रख सकते हैं। और आगे इसी को हम देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं, अणु भार को इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, अणु भार इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व इनटू कितना हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। तो आगे उसी समीकरण को हम जब क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं तो हमारा मान कितना हो जाता है, अणु भार इक्वल टू क्या हो जाता है, वाष्प घनत्व इनटू 2 प्राप्त हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है उसको आपको याद रखना क्या है, आवश्यक है। तो ये इतना में क्या होता है आपका, एवोगैड्रो का जो क्या होता है अनुप्रयोग होता है वो समाप्त होता है भाई।